जी दानी साहब, बहुत मेहरबानी। ये कौन से इंडिकेटर्स की बात करें, जो इंडिकेटर्स मुझे नजर आ रहे हैं मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इन्फ्लेशन और महंगाई पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो हकायक ये है कि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में कोरोना की वजह से क्रैश की है। आपको पता है इंडिया में इन्फ्लेशन क्या है? 3%। श्रीलंका में क्या है? 4%। पाकिस्तान में क्या था? 11%। तो ये जो है इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस क्रैश किए हैं, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हाईएस्ट एवर है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप एक ही साल में आटे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसी साल में आप आटे को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी साल में आप चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी साल में आप चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप इंडिया की और रीजन की बात करते हैं कि कोरोना में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बड़ा अच्छा किया। मैं आपसे इंडिया का शेयर कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, -4% ग्रोथ थी इंडिया की जीडीपी की, लेकिन जो फोरकास्ट है अगले साल के लिए वो +4% है। पाकिस्तान ने -1.45% ग्रोथ की कोरोना के अंदर। अगली क्या है, वर्ल्ड बैंक की कल या परसों ही आई है फोरकास्ट, वो 0.5% है। क्या मतलब है उसका? इसका यह मतलब है कि 2.5% हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी अगर इस रेट से, तो हमारी जॉब क्रिएशन तो कोई नहीं होनी, नेगेटिव जॉब क्रिएशन होगी अगले साल। पता नहीं ये कौन से इंडिकेटर्स के ऊपर जो है ये बात करते हैं। अगर आप कर्जों की बात करें तो रिकॉर्ड कर्जे हैं, 44,000 अरब रुपए पे इन्होंने कर्जियत पहुंचा दी है, और वो भी 2 सालों के अंदर। जो अंदर जितना कर्जा लिया उससे जो आपकी एलएसएम है वो -10% थी अभी भी। तो ये कौन से इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। हम लोग अगर आज हमारा पीडीएम जो है वो इन्हीं चीज के ऊपर बात कर रहा है कि कंपनी नहीं चलेगी, इनसे इकोनॉमी नहीं चल रही। किसान वोट गवर्नेंस कलेक्शन लगातार 2 सालों से घट रहा है, और आपको एक भी ऐसा चेयरमैन एफबीआर नहीं मिला जिसको आप 1 साल के लिए लगा दें। तो आप गवर्नेंस करें, जिस अदारे ने इस मुल्क को चलाना है उसका चेयरमैन तक तो आप लगा नहीं सकते। एक्सपोर्ट आपने बढ़ा ली, आपने हमारी जो आखिरी साल 13% हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई थी उससे हर साल कंजेक्टिवली आपकी एक्सपोर्ट गिरी है। सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में जो 40% से ज्यादा जो पाकिस्तानी अवाम है वो शरह गुर्बत से नीचे ले आए, तो आप कौन सी की बात कर रहे हैं? अच्छा। और दूसरी चीज देखें, हमारा जो बयानिया है वो बड़ा क्लियर कट है, हमें पाकिस्तान फौज से मोहब्बत है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि जो आखिरी बजट हम पाकिस्तान फौज को देके गए वो $9 बिलियन का था। पीटीआई ने 2 साल बाद क्या बजट दिया है पाक फौज को? $7 बिलियन। हर चीज पैसे से मेंटेन करते हैं। किसने ये तो पैसे दे दो, हमने स्ट्रेंथन किया नेशनल सिक्योरिटी। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए हमारा बयानिया, आपने वो कायदे आजम का कॉल सुना होगा कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक दैट पॉलिसी, इट इज वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इश्यूज।